गुड मॉर्निंग कल हमने ह्यूमन हाथ पढ़ा आज का हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारे हाथ से ब्लड दो बार पास होता है ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इसलिए से डबल सर्कुलेशन कहते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब होता है बॉडी तो जब ब्लड बॉडी से हार्ट में जाता है बॉडी टू heart and back this is called systemic circulation इस सर्कुलेशन को हम सिस्टमिक कहते हैं तो इसमें हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है विना कावा के थ्रू इन द राइट एट्रीम और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है थ्रू एहटा दिस इज कॉल सिस्टमिक सर्कुलेशन अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करें तो हार्ट से जब हम लंग्स में ब्लड को ट्रांसफर करते हैं दिस इज कॉल्ड पलमनरी सर्कुलेशन हम जानते हैं हाथ से लंग्स में ब्लड जाता है थ्रू पलमनरी आर्टरी और लंग से हाथ में ब्लड आता है थ्रू पलमनरी वेन पलमनरी वेन सो डी ब्लड विल पास फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स थ्रू पलमनरी आर्टरी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू पलमनरी वेन इसका एडवांटेज क्या है डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है ताकि हमारी बॉडी को प्योर ताकि हमारी बॉडी को प्योर ऑक्सीजन मिले जितना प्योर ऑक्सीजन मिलेगा उतना ए बन पाएगा जितना ज़्यादा ए बन पाएगा उतना ज़्यादा हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन कर सकते हैं ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में खास तौर इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैमल यानी कि हम और बर्ड्स चिड़िया हम दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस बॉडी टेम्परेचर को गर्म मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा ए चाहिए ज़्यादा ए के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए हमें प्योर ब्लड चाहिए राइट सो दिस वॉज द एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं लंग्स से ब्लड जाएगा हार्ट में और ऑक्सीजन ब्लड उस जिसके थ्रू जाता है उसे कहते हैं पल्मोनरी विंग जिस चैम्बर में जाता है उस चैम्बर का नाम है लेफ्ट एट्रियम दिस इज और हार्ट से डीऑक्सीजनिटेड ब्लड लंग्स में जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और ये जाता है आपके राइट वेंट्रिकल के थ्रू तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन अगर आप नीचे देखें तो हमारे हाथ से बॉडी में ब्लड जाता है थ्रू ए लेफ्ट right, और आपकी बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है थ्रूका एंड इट एंटर्स इन टू द राइट एट्री एम दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं या आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं बट यू हैव टू मेक अ डायग्राम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपके लंग से ब्लड आपके ये देखिए आप यहाँ से लंग से ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है और इस ट्यूब को बोलते हैं पल्मोनरी वेन राइट और आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू या लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका जा रहा है टू द लंग्स इस पार्ट को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन नीचे की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में ब्लड आ रहा है थ्रू ए एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल और आपकी बॉडी से ब्लड जा रहा है इन टू द राइट एट्रियम थ्रू वेनाकावा दिस इज कॉल्ड वेनाकावा दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन इसको बनाने का एक और आसान तरीका भी है ये देखिए दिस इज ऑफ गुड मैथड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट मीन्स इट हैज पलमरी सर्कुलेशन एंड वी हैव द सिस्टमिक सर्कुलेशन तो इन पलमरी सर्कुलेशन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हाथ से लंग्स की तरफ जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है आपको ट्यूब्स के नाम भी बताने पड़ेंगे और इन द लेफ्ट साइड सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाथ से बॉडी uh, में आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स बैक टू हार्ट सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डबल सर्कुलेशन का अगर आपको ई डाइग्राम प्रैक्टिस करना है सो यू कैन ऑलवेज डू दिस बीच में हाथ लिखिए ऊपर लंग्स लिखिए <coughs> नीचे बॉडी लिखिए और लंग्स से हार्ट की तरफ एक तरह से डायग्राम बनाइए और हाथ से बॉडी की तरफ तरह से डायग्राम बनाइए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिस इज आल्सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट और बॉडी से हार्ट की तरफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हाथ से लंग्स की तरफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिस इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है इन ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड अब इस डायग्राम में और क्या आपको लिखने की ज़रूरत है एक तो आपने इतना लिख दिया उसके अलावा आप लिखेंगे इसमें उन उन आ उन वेसल्स के नाम जिसके थ्रू ब्लड ट्रांसफ़र होता है तो ब्लड हमारा ट्रांसफ़र होता है राइट तो ब्लड हमारा ट्रांसफर होता है यहाँ पर हमारा है पलमनरी वीम ये आपको लिखने की ज़रूरत है ए ऑटा ये भी आपको लिखने की जरूरत है ए ऑटा इस तरफ बेना कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी राइट और हार्ट के किस चैम्बर में आता है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आएगा राइट right एट्रियम जाएगा राइट right वेंट्रिकल से इधर आएगा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सो दिस डाइग्राम इज फाइन टू मेक इन डबल सर्कुलेशन तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे हैव नाइस डे